हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ऐसे प्लांट के बारे में बात करूंगी जो डेकोरेशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो इंडोर भी और आउटडोर भी है, जिसको कहीं पर भी रखो वहीं पर ही ग्रो करेगा। और इसकी लीव्स में भी दो कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, इस प्लांट की बहुत ज़्यादा शोभा बढ़ा देता है। ये घरों में ज़्यादातर गमलों में पॉट में लगाने योग्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा पौधा होता है। इसकी लीव्स देखो किस प्रकार से टूट रही है, कटिंग करना भी इतना ज़्यादा आसान है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नोड और इंटर नोड एकदम नज़दीक नज़दीक दिए हुए होते हैं। या तो छोटी कटिंग काटो या बड़ी कटिंग, बहुत ही ज़्यादा शानदार निकलती है। इसका स्टेम थोड़ा छोटा होता है इसलिए कलमें कम निकलती हैं, ऊपर की टॉपर से ज़्यादा निकलती हैं। देखो नोड्स को देखो, एकदम नज़दीक नज़दीक रहते हैं, नोड्स एकदम नज़दीक रहते हैं इसलिए कटिंग करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। नहीं तो कोई कोई प्लांट ऐसा होता है जिसकी कटिंग करना ये कन्फ्यूजन रहता है नोड कहाँ पर है, इंटर नोड कहाँ पर है, या तो कलम बड़ी निकलती है या छोटी निकलती है। आप जैसे कि मैंने जो हाथ में पकड़ रहा है इसमें से दो आराम से कलमें निकल के आ जाएंगी और एक ऊपर की टॉपर्स निकल के आ जाएगी, इसलिए इसमें टॉपर्स ज़्यादा निकलती हैं और नीचे की कलमें जो कम निकलती है। आप सामने देख रहे होंगे कटिंग किस प्रकार से की जा रही है। इसकी लिप्स इतनी अच्छी टूटती हैं, बहुत ही ज़्यादा, एक ही उंगली से टूट जाती हैं। जो ये सामने रखी हुई है टॉपर्स है, मैंने बोला इसमें टॉपर्स ज़्यादा निकलती हैं। देखो अब ये सभी ज़्यादातर इसमें टॉपर्स ही हैं, एक आध दो कलमें हैं नहीं तो टॉपर्स ही हैं। इसमें एक व्हाइट कलर का तरल पदार्थ सा निकल जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है, इसलिए अगर आपके घर में जैसे कि बच्चे हों या फिर जैसे पेट्स हों, कोई भी जानवर हो, तो उसको इस प्लांट से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला प्लांट भी है। इसलिए ज़्यादातर इसकी कटिंग लगा देते हैं या फिर जैसे कि इसकी टॉपर से लगा देते हैं तो बहुत ही कम ख़राब होती हैं, क्योंकि ये फंगी को अपने से बहुत ही ज़्यादा दूर रखता है। अगर इसमें आप रूट विन भी नहीं लगाओगे, कोई भी दवाई भी नहीं लगाओगे, अगर नॉर्मली ही आप बेड में या फिर अपने पॉट में ग्रो करने के लिए या फिर कलमें तैयार करने के लिए कैसे भी रख दोगे तो ये अच्छे से हो जाता है। इसकी कलमें और टॉपर बहुत ही कम खराब होती हैं, क्योंकि इसमें जो ये जहरीला पदार्थ है ये अपने आप से फंगी को बहुत ही ज़्यादा दूर रखता है, और अगर कोई फंगी लगता भी है तो वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसमें हालांकि हम इसको रूटविन से तैयार करते हैं, पर लेकिन अगर आपके पास रूटविन नहीं हो, घर में अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाह रहे हो, तो ऐसे कहीं से भी कोई भी आपको ये नागदून मिल जाए, आप वहाँ से कट करके एक ही स्टेम को कट करके घर पे ले आइए और चार से पांच कलमें और टॉपर्स लगा दीजिए, पक्का हो जाएंगी, क्योंकि इसमें रूटविन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप रूटविन लगाना चाहो उसमें भी कोई बुराई है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ना हमने देखो रूटविन से इसको अच्छे से तैयार किया है, ऊपर से पकड़ के इसमें टॉपर से ज़्यादा निकलती है, इसलिए रूटविन ही लगाया जाता है। इसमें मोम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो ये व्हाइट तरल पदार्थ निकलता है वही इसकी सुरक्षा करता है। इस प्रकार से अगर आप अपने घर में दवाई हो, एरोडेक्स हो, कुछ भी हो जो कि पौधे में लगाने योग्य दवाई हो, तो उसको इस प्रकार से लगा दीजिए। किसी भी टब में पानी में थोड़ी सी मात्रा लेके पानी डाल के इस प्रकार से लगा दीजिए, और टॉपर्स को ऐसे के ऐसे ही मिट्टी में लगाइए, या फिर जैसे कि आपके पास नारियल का बुरादा हो उसमें लगाइए, ट्रे हो या कोई पानी के कप में भी ये लग जाएगा, इसके लिए मिट्टी की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसकी कटिंग है जो कम से कम 20 से 30 दिन लगा लेती है जड़ें छोड़ने में। इसमें बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि बिल्कुल एक तो ग्रीन लीव्स पाई जाती है, एक कलर कॉम्बिनेशन पाया जाता है, जैसे कि हमने प्रत्येक प्रकार की जो भी नागदून होता है उसकी हम कलमें और टॉपर से तैयार करते हैं, वो मैं आगे आगे बताऊंगी आपको कि किस प्रकार से हम और भी किस किस प्रकार की नागदूनें हमने कलमें तैयार की हैं। आज हम जो कलर कॉम्बिनेशन होता है उसकी नागदून तैयार कर रहे हैं। आप सामने देख रहे होंगे इसमें ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन की नागदून है, वाइट और ग्रीन की नागदून हमने तैयार की है। आगे हम प्रॉपरली लीव्स जिसकी ग्रीन होंगी उसकी भी नागदून तैयार करेंगे। इसमें कोई कोई लीव्स ऐसे कोई कोई स्टेम ग्रीन लीव्स का आया हुआ है, क्योंकि हमारी क्या है जैसे कि हमने पिछले सीजन में जो कटिंग लगाई हुई थी उसमें एक साथ ही हमने बुच्छे में ऐसे ही लगा दिया था एक जगह पर, इसलिए स्टेम लेने में एक कोई कोई लीव्स आपको बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रही होगी, नागदून ही, हालांकि वो उसकी अलग प्रजाति है। अगर आप जैसे कि तैयार करके रूट में लगा के आप किसी भी टब वगैरह में रख के ऐसे ले आइए और बेड में इस प्रकार से लग जाएगा। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा ठोस है या फिर उसमें जैसे ये कटिंग जा नहीं पा रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है इसकी कलमें जो, और वो टूट भी सकती है, जैसे आप बेड में अंदर की साइड में रिपोर्ट करोगे, तो इसलिए या तो आप पानी लगा लीजिए
30 से 40 मिनट पहले, जिससे कि क्या है वो मिट्टी है जो सॉफ्ट हो जाएगी। इसलिए या फिर ऐसा कीजिए जैसे कि आप कोई भी लकड़ी की सहायता से इन पॉलीथीन बैग्स में पहले एक होल कीजिए, जैसे हम होल करके ही लगा रहे हैं। पानी भी लगाया था, हालांकि हमने कल पानी लगाया था, लेकिन ये फिर भी इसकी जो जड़ें इसमें मिट्टी में नहीं जा पा रही हैं। इसलिए किसी भी छड़ी की सहायता से या किसी भी लकड़ी की सहायता से जो भी आपके पास मिल जाए वो उसकी सहायता से ऐसे होल कर लीजिए। और दो दो स्टेप, अगर आपके पास पतली जैसे कि पतली नागदून की स्टेम है तो आप दो दो लगा लीजिए, नहीं तो एक लगा लीजिए, आपके ऊपर है वो जो बेटर आपको लगे ऐसा कर लीजिए। क्योंकि हम इन पॉलीथीन बैग्स की शिफ्टिंग करेंगे तब इनको एक एक कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।